तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज के अपने इस लेक्चर को। ठीक है, नेशनल इनकम के सफर में आज हम कुछ नई बातें करेंगे, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कि भाई साहब प्राइवेट इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। अब आपने नेशनल इनकम में अब तक जो कुछ भी पढ़ा आप उसको भूल सकते हो। भूलना मतलब कि आज की इस क्लास में मैं पिछली क्लास की कोई ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आज हम नई नवेली बातें करेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे कि प्राइवेट इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। तो चलिए बट करते स्टार्ट अपनी प्राइवेट इनकम से। उससे पहले आपको बता दूं कि ये टॉपिक एग्जाम में आते हैं। अगर आपका पेपर, अगर आप अपने एमसीक्यू लेवल की तैयारी कर रहे हो तो तब भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, और अगर आप सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी इसके ऊपर आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, सरल है, आसान है, बाबू सोना वाला टॉपिक है जो आसानी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, सो मेरे मित्रों, मेरे पुत्रों नहीं, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन ये है कि भैया ये प्राइवेट इनकम क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं निजी आय। तो बेटा सुनो, प्राइवेट इनकम क्या होता है, अभी नेशनल इनकम को भूल जाओ। ठीक है, अब सुनो प्राइवेट इनकम क्या होता है। बेटा एक देश में प्राइवेट सेक्टर ने जो कमाया, मेरी बात को सुनो, मैंने बोला एक देश में प्राइवेट सेक्टर ने जो कमाया, क्योंकि जब यहां पे मैंने बोला प्राइवेट इनकम तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर। और आपको पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर में देश में दो चीजें आती है नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर फोर सेक्टर, द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, द सेकेंड वन इज फॉर्म सेक्टर, द थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड द लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। आपको पता है कि देयर आर फोर सेक्टर। तो जब हम पहले सेक्टर और दूसरे सेक्टर की बात करते हैं, इट मींस जब मैं हाउस होल्ड और फर्म की बात करूं, जब मैं फर्म सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर ठूसने वाला और एक होता है फर्म सेक्टर ठुसाने वाला। तो प्रोडक्शन करने वाला फर्म सेक्टर और उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करने वाला हाउस होल्ड सेक्टर, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो यहां पे प्राइवेट इनकम का मतलब है प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्राप्त की गई इनकम से, और प्राइवेट सेक्टर में यहां पे आपका हाउस होल्ड भी आएगा और आपका फर्म भी आएगा। तो हाउस होल्ड और फर्म जो भी इनकम कमाते हैं, अब मेरी बात सुनो, हाउस होल्ड और फर्म इट मींस प्राइवेट सेक्टर, ये जो भी इनकम कमाते हैं, अब चाहे वो फैक्टर इनकम हो या फिर वो ट्रांसफर इनकम हो, अब ये मैं क्या बोल गया सुनो ना, चाहे वो फैक्टर इनकम हो, चाहे मेहनत वाली इनकम हो और चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, भैया नेशनल इनकम में तो ट्रांसफर इनकम को शामिल ही नहीं करते, तभी तो मैंने बोला कि ये नेशनल इनकम से अलग है। ये तीनों चीजें नेशनल इनकम से अलग है, इसको नेशनल इनकम से रखो परे। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट इनकम की, तो एक देश की प्राइवेट इनकम में आपका फैक्टर इनकम भी आएगा और आपका ट्रांसफर इनकम भी आएगा, पहली बात तो ये। और बात नंबर दो, चाहे वो फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम देश के अंदर कमाई हो या फिर चाहे वो फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम देश के बाहर से आई हो, तो चाहे वो देश के अंदर की इनकम हो, चाहे वो देश के बाहर की इनकम हो, चाहे वो फैक्टर हो, चाहे वो ट्रांसफर हो, जब मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरे को मिल जाएगी प्राइवेट इनकम। और प्राइवेट इनकम का मतलब है हाउस होल्ड की इनकम से और प्राइवेट सेक्टर की इनकम से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको लिख के समझाता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, इसको लिख कर समझते हैं और आप भी मेरे साथ जो है लिखेंगे, भाई सब लिख लिख के पढ़ेंगे, कसम से कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। तो लिखो मेरे साथ, अरे क्या हो गया भाई साहब, नाराज क्यों हूं हमसे, लिखेंगे मेरे साथ बच्चा लोग प्राइवेट इनकम। अब मैंने आपसे बोला प्राइवेट इनकम में दो प्रकार की इनकम आती है, चाहे वो फैक्टर इनकम हो, चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, और चाहे उसको देश के अंदर कमाए, चाहे उसको देश के बाहर कमाए। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं फैक्टर इनकम की। ठीक है, तो बोलूंगा फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू, फैक्टर इनकम ऐसे बोलूंगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम, फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग
टू प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब सुन लो क्या लिखा, यहां पे लिखा है कि भाई साहब प्राइवेट सेक्टर ने जो इनकम कमाई, कौन सी इनकम कमाई, फैक्ट्री इनकम कमाई, और कहां कमाई, डोमेस्टिक देश के अंदर। तो ये पहला कंपोनेंट है कि प्राइवेट सेक्टर ने जो फैक्ट, मैंने क्या बोला, प्राइवेट सेक्टर में फैक्टर इनकम भी आएगी और ट्रांसफर इनकम भी आएगी। तो यहां पर फिलहाल मैंने बात करी फैक्टर इनकम की, और कौन सी फैक्टर इनकम, जो डोमेस्टिकली जो देश के अंदर कमाई। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम एक और फैक्टर इनकम की बात करते हैं जो देश के बाहर से कमाई, क्योंकि मैंने बोला प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम आएगी, चाहे वो देश के अंदर कमाओ चाहे वो देश के बाहर कमाओ। तो देश के अंदर वाली ये हो गई। अब अगर कोई फैक्टर इनकम हम देश के बाहर से कमाते हैं तो आपको याद होगा हम लोग उसको बच्चों बोलते हैं NFIA। अगर आपको याद हो हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं उसको, NFIA बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपका ये भी शामिल होगा, है ना, आपका बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी शामिल होगा। तो बताओ ये क्या आ गई, जी ये आपकी वो फैक्टर इनकम आ गई जो आपने अब्रॉड से, विदेश से कमाई। तो यहां पे आ गई क्या, आपकी फैक्टर इनकम। तो मैंने बोला प्राइवेट इनकम में आपकी आएगी फैक्टर इनकम, चाहे वो देश के अंदर कमाई हो चाहे वो देश के बाहर कमाई हो। और आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, जी प्राइवेट सेक्टर का मतलब यहां पे एक तो हाउस होल्ड से है, हाउस होल्ड समझते हो ना, और दूसरा यहां पे फर्म से है। तो यहां पे फर्म और हाउस होल्ड ने मिलकर देश के अंदर जो कमाया वो, और देश के बाहर से जो कमा के लेके आए वो। अब इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो क्या, प्लस ऑल ट्रांसफर इनकम। अब इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ऑल ट्रांसफर इनकम। अब इस ऑल ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या है, वो सभी ट्रांसफर इनकम, चाहे वो आपको देश के अंदर से मिली हो चाहे वो आपको देश के बाहर से मिली हो, वो सभी ट्रांसफर इनकम, चाहे वो आपको देश के अंदर से मिली हो चाहे वो आपको देश के बाहर से मिली हो, उसको मैंने इस कैटेगरी में डाल दिया ऑल ट्रांसफर इनकम। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊं तो ऑल ट्रांसफर इनकम में तीन टाइप होते हैं। ये जो अपनी ट्रांसफर इनकम होती है बच्चों, ये तीन तरह की होती है, ठीक है, आप इसको भी समझ लो और आप इसको भी नोट कर लो। जैसे कि सबसे पहला बच्चों होता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अगर मान लो गवर्नमेंट ने, अगर मान लो सरकार ने कोई लोन लिया, अगर मान लो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से, फॉर एग्जांपल सरकार ने मान लो फर्म से, कंपनी से कोई लोन लिया, अब जब सरकार लोन लेगी तो लोन की लोन का लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी। तो फॉर एग्जांपल मान लो प्राइवेट कंपनी हूं, मैंने सरकार को लोन दिया, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है जनता से भी, गवर्नमेंट जनता से भी बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा उठाती है, और गवर्नमेंट अपने शेयर डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से जनता से प्लस कंपनी से पैसा उठाती है। तो मान लो गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक से, जनता से या फर्म से लोन लिया, तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। तो अपने को वो इंटरेस्ट, अपने को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो मिल रहा है फ्री में, अपने को जो इंटरेस्ट मिला वो तो मिला फ्री में, तो वो एक प्रकार की आपको ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी। तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नेशनल डेट माने गवर्नमेंट ने जो लोन लिया, गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। उसके बाद अगला आपका होता है ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा गवर्नमेंट जो है कुछ ट्रांसफर पेमेंट भी करती है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड को स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन सेक्टर को, कंपनीज को, फर्म को सब्सिडी देती है, बेटा गवर्नमेंट जो है रिटायरमेंट पेंशन देती है। तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कुछ ट्रांसफर पेमेंट भी तो करता है कंपनीज को, हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड को सरकार ने स्कॉलरशिप दी, हाउस होल्ड को सरकार ने रिटायरमेंट पेंशन दी, सॉरी ओल्ड एज पेंशन दी, रिटायरमेंट पेंशन एक फैक्टर इनकम है, ओल्ड एज पेंशन दी, तो ओल्ड एज पेंशन दी, स्कॉलरशिप दी, या मान लो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी प्रोडक्शन यूनिट को, तो गवर्नमेंट से कुछ ट्रांसफर इनकम हमको एवं ही मिल जाती है। भाई बुड्ढे हो गए, ओल्ड एज पेंशन मिल गई, लड़के को स्कूल से स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है। तो एक होता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, एक होता है आपका कि ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और एक आपका होता है बच्चों करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
इसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि बाहर के लोग भी, बाहर के देश भी अपने देश को कुछ ट्रांसफर पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया में बाढ़ आ गई, अब बाहर से जस्टिन बीबर बेटा इंडिया में गाना गाने आया था, उसने देखा कि यहाँ के लोग बाढ़ से पीड़ित है, उसने 1 करोड़ का चेक काट कर दे दिया। तो ये एक प्रकार की क्या है, आपकी ट्रांसफर इनकम है। मैं पहले बोल रहा हूँ ट्रांसफर इनकम वो होती है जो फ्री में आपको मिल जाती है, उसके बदले कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करनी। तो बाहर के लोग भी अपने इंडिया को, अपने भारत के लोगों को कुछ भी ट्रांसफर पेमेंट कर देते हैं, कुछ भी ट्रांसफर पेमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें शामिल होगा। अब देखोगे इंटरेस्ट और नेशनल डेट वाली जो इनकम है, ये आपको बच्चों मिली देश के अंदर डोमेस्टिकली, क्योंकि हमारी सरकार ने हमसे लोन लिया, हमको पेमेंट करी। ऐसे ही जो ट्रांसफर पेमेंट वो भी कैसे मिली, डोमेस्टिकली मिली, देश के अंदर से मिली, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी, ओल्ड एज पेंशन दिया। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की पेमेंट है, ये हमको कहाँ से मिली, ये बच्चों हमको इंटरनेशनली मिली, हमको बेटा बाहर से मिली। तो कुछ ये दो ट्रांसफर पेमेंट विद इन कंट्री मिली, और ये एक ट्रांसफर पेमेंट देश के बाहर से मिली। समझ में आ गया? तो इन सभी को जब मैं जोड़ दूंगा, मैं सभी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम जब मैं इन सभी को जोड़ दूंगा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, कि इससे मुझे मिलेगा प्राइवेट इनकम। तो मैंने बोला प्राइवेट इनकम में आपकी फैक्टर इनकम भी आती है और आपकी ट्रांसफर इनकम भी आती है, चाहे वो देश के अंदर से कमाई हो देश के बाहर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश के अंदर वाली फैक्टर इनकम है या देश के बाहर वाली फैक्टर इनकम है, ये देश के अंदर वाली ट्रांसफर इनकम है और ये देश के बाहर वाली ट्रांसफर इनकम है। तो होपफुली आपको इतनी बात तो पल्ले पड़ गई होगी। अगर इतनी बात पल्ले पड़ गई तो सुनो, अब मैं आपको बताऊंगा और करके प्राइवेट इनकम को हम और भी तरीकों से जान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट करना है ना, तो वीडियो पॉज करके पहले आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब जरा मेरी बात को सुनो, ठीक है। अब प्राइवेट इनकम को हम थोड़ा एक और तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब एक बच्चा मेरे को बोलता है कि भैया अगर आप ध्यान से देखोगे तो डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर अगर आप कोई भी फैक्टर इनकम कमाते हो, क्योंकि तो भैया आपने बताया था कि अगर हम देश की बाउंड्री के अंदर कोई भी फैक्टर इनकम कमाते हैं, अगर हम देश की बाउंड्री के अंदर, देश की सीमा के अंदर कोई भी फैक्टर इनकम कमाते हैं, तो उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ये बात भैया आपने बताई थी कि देश की बाउंड्री में कमाओ और फैक्टर इनकम कमाओ, तो भैया हम इस चीज को डोमेस्टिक इनकम भी तो बोल सकते हैं। तो इस बात को मैंने आपकी एग्री किया और इस चीज को बच्चों मैंने क्या बोल दिया, इस चीज को मैंने बोल दिया डोमेस्टिक इनकम। इसे मैंने क्या बोल दिया, डोमेस्टिक इनकम, इट मींस NDPFC, कोई दिक्कत नहीं, ओके। प्लस का प्लस, NFIA का आपका रहेगा NFIA, और प्लस क्या, प्लस ऑल ट्रांसफर इनकम। ये तीन पार्ट कौन कौन से आपको उसको पता है, तो मैं अलग से नहीं लिख रहा, ऑल ट्रांसफर इनकम, इसमें तीन कैटेगरी बन जाती है। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA प्लस ऑल ट्रांसफर इनकम, इन तीनों को जोड़कर भी तो अपना प्राइवेट इनकम आ जाएगा। लेकिन गलत, सुनो, जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम सभी सेक्टर्स की बात करें, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं या नेशनल इनकम की बात करते हैं, हम सभी सेक्टर्स को जोड़ते हैं। इट मीन जब मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा तो मैं आपका हाउस होल्ड सेक्टर भी लूंगा, मैं आपका फर्म सेक्टर भी लूंगा, मैं आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी लूंगा, और मैं आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी लूंगा। अब जरा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, प्राइवेट इनकम में देखा जाए, प्राइवेट इनकम बच्चों देखा जाए तो हाउस होल्ड सेक्टर आता है, फर्म सेक्टर आता है, और देखो ये जो पैसा बाहर से कमाया मैं इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ही तो कहूंगा, ये जो पैसा मैं बाहर से कमा के लेके आया इसको मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ही तो कहूंगा, बिकॉज बाहर से कमाया। तो प्राइवेट इनकम में हाउस होल्ड वाला आता है, प्राइवेट इनकम में फर्म वाला आता है, प्राइवेट इनकम में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है, लेकिन सेक्टर तो चार है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चार है लेकिन हमने केवल तीन लेने, हाउस होल्ड, फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउस होल्ड, फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरी बात सुनो, डोमेस्टिक इनकम की जब मैं बात करता हूं, जब मैंने बोला एक देश की डोमेस्टिक इनकम, तो उसका तो मतलब ये हो गया ना कि इसमें आपके चारों आ गए,
इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आपको चार आ गए तो हमको चार लेने ही नहीं है, हमको गवर्नमेंट वाला लेना ही नहीं है, हमको एक दो तीन लेने हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो आ गया, और डोमेस्टिक में आपका हाउस होल्ड भी आता है, फर्म भी आता है और गवर्नमेंट भी आता है, लेकिन हमको केवल हाउस होल्ड और फर्म चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा गवर्नमेंट वाला शेयर। तो इसमें से माइनस करूंगा मैं क्या, इसमें से माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा इनकम, इनकम accruing, इनकम accruing टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो इनकम होगी वो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट इनकम में हाउसहोल्ड वाला आएगा, फर्म वाला आएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा, गवर्नमेंट नहीं आएगा। तो डोमेस्टिक इनकम वाले पोर्शन में से आपको गवर्नमेंट सेक्टर वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, तब जाके बनेगी आपकी ये प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम का एक फॉर्मूला ये भी होता है। ओके, थोड़ा और दिमाग लगाओ और इसके एक आखिरी फॉर्मूले पे आ जाओ। अब थोड़ा अगर आप और दिमाग लगाएंगे, अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो बच्चों प्राइवेट इनकम का आखिरी एक फॉर्मूला और बन सकता है ना जी। जी, प्राइवेट इनकम का आखिरी एक फॉर्मूला और बन सकता है क्या? अगर आपको थोड़ी बहुत इको आती हो, याद हो, तो डोमेस्टिक इनकम में जब हम जोड़ते हैं एनएफआईए, अगर मैं एनडीपीएफसी में डोमेस्टिक इनकम में जोड़ दूंगा एनएफआईए, तो बच्चों वो बनती है क्या, नेशनल इनकम। आपको याद होगा कि डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए जोड़ने से बनता है नेशनल इनकम, बोले तो एनएनपीएफसी। तो इस पूरा क्या बन गया, एनएनपीएफसी, फिर प्लस आपका वही क्या, ऑल ट्रांसफर इनकम, ऑल ट्रांसफर इनकम, और माइनस उसमें क्या कर दो, वही इनकम accruing फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, इनकम accruing फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर। तो आपका एक फॉर्मूला प्राइवेट इनकम का यह भी बनता है। समझ में आ गया? तो भाई साहब प्राइवेट इनकम के तीन फॉर्मूले बनते हैं, और वो तीनों फॉर्मूले कैसे कैसे बनते हैं ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। होपफुली आपको ये बात पल्ले पड़ चुकी होगी। बताइए, इतना आपको क्लियर है? पक्का? एकदम अच्छे से जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इस चीज को नोट कीजिए। चलिए, तो आपको इतना क्लियर है? तो भाई साहब यहां पर अपना प्राइवेट इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम का कंसेप्ट होता है कंप्लीट। तो जो सारी बातें मैंने बोली है ना भाई साहब, वही सारी बात लिखी है और वही तीन लिखे हैं फॉर्मूले। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं। अब सुनो कि पर्सनल इनकम क्या होता है, नेशनल डेट इंटरेस्ट होता है क्या? आपको मैंने पढ़ा दिया कि जब गवर्नमेंट लोन लेती है अपने किसी पर्पस के लिए और उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है उसे क्या बोलते हैं, नेशनल डेट इंटरेस्ट। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, पर्सनल इनकम की। अब पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो, पर्सनल इनकम का मतलब ही वही होता है, हम बात कर रहे हैं पर्सनल इनकम की, बेटा पर्सनल इनकम का मतलब भी वही होता है कि सभी प्रकार की ट्रांसफर इनकम एंड सभी प्रकार की फैक्टर इनकम। मैंने क्या बोला, सभी प्रकार की ट्रांसफर इनकम एंड सभी प्रकार की फैक्टर इनकम को जोड़ना है। फिर दूसरी बात वही, चाहे वो देश के अंदर से हो चाहे वो देश के बाहर से हो, दोनों को जोड़ना है। इट मींस जब मैं पर्सनल इनकम की बात करूंगा तो मेरे को प्राइवेट इनकम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम थोड़ा सेम है, बस हल्का सा अंतर है। तो अगर मैं पर्सनल इनकम की बात करता हूं तो सबसे पहली बात तो मैं वो करूंगा कि किसी भी प्रकार की ट्रांसफर इनकम हो, किसी भी प्रकार की फैक्टर इनकम हो, दोनों शामिल करेंगे। फिर चाहे वो देश के अंदर कमाई हो चाहे वो देश के बाहर कमाई हो, इट मींस मैं अल्टीमेटली प्राइवेट इनकम की बात तो कर रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट इनकम भी तो होता है कि फैक्टर भी ट्रांसफर भी, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। इट मींस मैं यहां पे प्राइवेट इनकम की ही बात कर रहा हूं। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है जी, प्राइवेट इनकम। लेकिन सुनो, इस प्राइवेट इनकम में से मेरे को दो चीज माइनस करनी है। प्राइवेट सेक्टर ने जो भी इनकम कमाई उसमें से दो चीज करनी पड़ेगी माइनस। वो क्या क्या, वो ये कि प्राइवेट इनकम में से आप माइनस कर दो कॉरपोरेशन टैक्स। जो भी कंपनी सरकार को अपने प्रॉफिट पे टैक्सेशन पे करती है, तो अपनी प्राइवेट इनकम में से अगर हम कॉरपोरेशन टैक्स माइनस कर दे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, हम उसका यूज कर नहीं सकते, तो प्राइवेट इनकम में से कॉरपोरेशन टैक्स करनी पड़ेगी माइनस। उसके बाद कॉरपोरेट सेविंग, जो कंपनी है वो कुछ पैसा टैक्स पे करने के बाद सेव भी करती है। इट मींस ये मान लो, ये प्राइवेट इनकम का मतलब वो पैसा जो कंपनी ने कमाया।
इस प्राइवेट इनकम का मतलब वो पैसा जो कंपनी ने कमाया, अब वो चाहे कंपनी ने देश के अंदर कमाया, चाहे देश के बाहर कमाया, चाहे फैक्टर इनकम के रूप में कमाया, चाहे ट्रांसफर इनकम के रूप में कमाया, प्राइवेट इनकम की देश में जितना भी पैसा कमाया कंपनीज ने, अब कंपनी उसमें से क्या करेगी? अगर सरकार को जो टैक्स पे कर रही है वो टैक्स माइनस कर दे। लेट एग्जांपल कि कंपनी ने बेटा मान लो 1000 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से बेटा मान लो सरकार को 100 करोड़ का टैक्स पे कर दिया, और कुछ पैसा कंपनी सेव भी तो करेगी आगे ग्रो करने के लिए, नेक्स्ट ईयर ग्रो करने के लिए कंपनी को चाहिए पैसा, तो कुछ पैसा कंपनी सेव भी करेगी, उसको क्या बोलेगा जी? कॉर्पोरेट सेविंग। और मान लो कॉर्पोरेट सेविंग कितनी है जी? 50 करोड़। तो कंपनी ने जो भी पैसा कमाया, अगर उसमें से कंपनी सरकार को जो टैक्स पे करेगी माइनस कर दे, और जो पैसा कंपनी खुद के लिए बचा के रखेगी वो माइनस कर दे, और उसके बाद जो पैसा बचेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको बच्चों बोला जाएगा क्या? उसको बोला जाएगा पर्सनल इनकम। समझ में आ गया? तो पर्सनल इनकम का सिंपल सा मतलब प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स माइनस कॉर्पोरेट सेविंग। तो यहां पे हमारी पर्सनल इनकम जो बचेगी वो बचेगी 850 करोड़ की पर्सनल इनकम। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है? तो यहां पे आपका पर्सनल इनकम भी समझ में आ गया कि पर्सनल इनकम क्या होता है। ठीक है, पक्का? तो अगर आप देखोगे तो जो मैंने बोला बेटा वो, तो इट मींस क्या, पर्सनल इनकम निकालने के लिए प्राइवेट इनकम का आना जरूरी है। तो जो भी आपको मैंने बातें बोली वो सारी की सारी बातें पर्सनल इनकम की यहां पर लिखी हुई है, कि पर्सनल इनकम के अंदर भी जो पैसा आएगा वो विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री आएगा, प्लस चाहे वो अर्न इनकम हो, इट मींस फैक्टर इनकम हो, चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, वो सारा आएगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि पर्सनल इनकम में नॉट ओनली फैक्टर नहीं आएगा बट ऑल्सो ट्रांसफर इनकम भी आएगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं आएगा, आप याद रखना है कि आपको उसमें कॉर्पोरेट सेविंग शामिल नहीं होगी और उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स शामिल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट सेविंग। चलिए, पर्सनल इनकम भी क्लियर। और उसके बाद आपका आखिरी आता है जी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो उसके लिए पर्सनल इनकम का पता होना आवश्यक है। तो आपको पर्सनल इनकम निकालनी तो आ गई, अब इस पर्सनल इनकम का मतलब ये इनकम हो गया जो एक इंसान के पास बची, एक कंपनी के पास बची। अब इस इनकम को जो क्या करेंगे, इस इनकम को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट देगी कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट में से कंपनी ने इतना टैक्स पे कर दिया और इतना पैसा बचा लिया। इट मींस अब जो पैसा बचा वो पैसा बचा जनता का, वो पैसा बचा पब्लिक का। ठीक है, कंपनी ने 1000 करोड़ कमाए और कंपनी ने जो है उसमें 100 करोड़ का गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया और 50 करोड़ बचा के रख लिए, तो जितने बचे 850 करोड़, अब वो पैसा कंपनी के मेंबर्स के बीच बटेगा, वो पैसा शेयर होल्डर्स के बीच एज अ डिविडेंड बटेगा, और वो पैसा एक आम जनता को, एक आम नागरिक को मिलेगा। तो अब अगर मैं बात करूं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो याद रखना अगर आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पता करना है तो जरा मेरी बात को समझो। सबसे पहले आप लोगे पर्सनल इनकम जो आपने निकाली, तो अगर आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पता करना है तो जो आपने अपनी पर्सनल इनकम निकाली, पर्सनल इनकम का मतलब क्या है जी ये वाली इनकम। तो अगर आपने जो भी पर्सनल इनकम निकाली, क्या इसमें से आपका टैक्स गया, कॉर्पोरेट सेविंग गया, तो क्या बची? पर्सनल इनकम। अब इस पर्सनल इनकम में से अगर आप, अब ये वो पैसा है जो जनता को मिला, जो जनता को खर्च करने के लिए मिला, जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड जो कंपनी ने जनता को बांटा, लेकिन जो पैसा जनता को मिला वो भी जनता का सारा पैसा नहीं है। जो पैसा जनता को मिला वो भी जनता का सारा का सारा पैसा नहीं है। तो आप देखोगे हम बात कर रहे हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। ठीक है, तो जरा मेरी बात सुनो, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो जनता के पास पैसा आता है बेटा, कंपनी तो कॉर्पोरेशन टैक्स पे करेगी लेकिन जनता के पास जो पैसा बचा जनता भी उसमें से टैक्स पे करेगी, और जो जनता टैक्स पे करेगी उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, या आप ऐसे बोल लो कि जनता अपनी इनकम में से इनकम टैक्स पे करेगी। और जनता के पास कोई प्रॉपर्टी है,
कोई मकान है तो जनता प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगी, और एक्सेट्रा कोई और टैक्स है तो वो भी पे करेगी। तो जनता को जो पैसा मिला वो पैसा भी अभी जनता का सारा नहीं है, उस पैसे में से भी जनता को सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्स पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कि जनता को कितने मिले जी, जनता को मिले थे 850 रुपये जी। कैसे? 1000 रुपये कंपनी की इनकम थी, उसमें से कंपनी ने 100 रुपये कॉर्पोरेट टैक्स पे करा, 50 भविष्य के लिए बचा कर रखे, तो कितने बचे जी? बचे 850। ये वो पैसा जनता को मिलेगा। अब जनता को कितने मिले? 850। लेकिन 850 में से बेटा मान लो 50 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ गया। गवर्नमेंट टैक्स भी तो सॉरी हाँ हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे, प्लस अब क्या हुआ हमारे कुछ और भी खर्चे हो गए, जिसको अपन लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं जी? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सरकारी खर्च कैसे हो गए भाई? मैं रास्ते में जा रहा था, मैं लाल बत्ती पे मैंने गाड़ी चला दी, रोकी नहीं, मेरा पेनल्टी लग गई, मेरी फाइन लग गई, मेरी फीस लग गई। तो कुछ ऐसा भी तो पैसा होता है जो टैक्स के रूप में नहीं गया, लेकिन मेरे ऊपर क्या लग गई? पेनल्टी। मैंने कोई रूल तोड़ दिया, नियम तोड़ दिया, मुझे कोई फाइन पे करना पड़ गया। तो हम अपनी इनकम में से सरकार को टैक्स पे करने के अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे कि हम सरकार को कोई फाइन भरते हैं, हम सरकार को कोई पेनल्टी भरते हैं, हम सरकार को कोई फीस भरते हैं, तो ये सारे खर्चे भी है। तो इनको खर्च तो मान लो मेरे 20 रुपये फीस और फाइन में लग गए। अब जो मेरे पास बचे 780 करोड़ रुपए, इसको ही बच्चों बोला जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट मींस अब ये वो इनकम है जो जनता के पास प्रॉपर बची अपने टैक्स पे करने के बाद और अपना फाइन का भुगतान करने के बाद। अब जो पैसा बचा 780 रुपए, अब ये जनता के पास प्रॉपर प्योर पैसा बचा है। अब जनता इस पैसे को अपने अकॉर्डिंग खर्च करेगी। जनता चाहेगी कि वो 780 को पूरा खर्च कर दे तो जनता 780 पूरे अपने ऊपर कंजम्पशन पे अपने ऊपर खर्च भी कर देगी, और हो सकता है जनता सारा खर्च ना करे, जनता अपना कुछ पैसा भविष्य के लिए बैंक में सेव भी कर ले। तो 780 जो बचे अब ये प्योर पैसे जनता के बचे, जनता इसको कंज्यूम अपने ऊपर खर्च भी कर सकती है, प्लस जनता इसको भविष्य के लिए सेव भी कर सकती है। समझ में आ गया? इसको बच्चों बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हमने प्राइवेट इनकम पढ़ लिया, ये रहा प्राइवेट इनकम। तो ये हमने क्या पढ़ा? प्राइवेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम। और पर्सनल, तो देखो पर्सनल इनकम को निकालने के लिए आपको प्राइवेट इनकम की हेल्प लेनी पड़ेगी, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए आपको पर्सनल इनकम की हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो सबसे पहले देश में निकलती है प्राइवेट इनकम, फिर निकलती है पर्सनल इनकम, और उसके बाद बच्चों का निकलती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब डिस्पोजेबल माने क्या? कि वो इनकम अब जो डिस्पोज करने के लिए बची, अब जो मेरे ऊपर प्रॉपर खर्च करने के लिए बची टैक्स पे करने के बाद और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे करने के बाद। होपफुली आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। बताइए एकदम क्लियर है? अच्छे से? पक्का? ठीक है जी। तो यहां पर आपका जो है ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी सारा का सारा खत्म होता है। जो भी सारी बातें मैंने बोली वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। बताइए बड़ा आज के लिए इतना काफ़ी है? पक्का? तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच बड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नए टॉपिक नए कॉन्टेंट के साथ। व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे वहाँ से वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।